बस कैसे हैं आप लोग सब। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और जैसे आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आपको एक और रेसिपी दे रही हूँ। ये आप सभी को पसंद होंगे और खाते भी होंगे आप लोग। तो हम लोग तो हमारे घर में तो खैर बहुत शौक से खाई जाती है चिकन की गर्दनें। जो तो ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और तकरीबन बच्चों को सभी को पसंद होती होगी, बड़े बड़ों को छोटों को, लेकिन बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो ये मैंने गर्दनें ली थी 1 किलो, पर ये लंबी लंबी थी, मैंने सब कट करवा लिया नॉर्मल साइज के अंदर जैसे। और आपकी मर्जी, आप उसको लंबी भी साबुत भी रख सकती हैं या फिर कट कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें। 1 किलो हमने ये ले लिए हैं। और इसमें कुछ मसाले जाएंगे जो घर के ही हैं, कोई पैकेट का मसाला नहीं है इसमें। ये आधा चम्मच है मैंने लाल मिर्ची ली है, और आधा चम्मच से ज़्यादा थोड़ी सी मैंने कुटी मिर्ची ली है, आधा चम्मच मैंने काली मिर्ची ली है, और नमक है हसबे जायका, ये जर्दे का रंग है मतलब जो ऑरेंज फूड कलर होता है ये लिया मैंने, और ये चिकन पाउडर है, चिकन क्यूब वाला मैदा कहते हैं इसको, ये आसानी से सब जगह मिल जाता है, ये फिर इसका फ्लेवर, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और तेल लिए मैंने इसके अंदर, ये गार्निशिंग के लिए तेल, और पत्ते वाली प्याज का जो हरा पार्ट होता है ये हमें बारीक बारीक कट करना है। और हमें तीनों सॉसें डालनी है, सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस। तो चले मैं आपको मैरिनेट करके दिखाती हूँ। तो अपने मैरिनेट, पहले अब हम इसको मैरिनेट करके रखना है हमें आधे 1 घंटे के लिए, और चाहे तो भले ओवरनाइट भी आप करके रात को रख सकते हैं, और जैसे ही कोई मेहमान आए झटपट से आप इसको बना भी सकते हैं या घर में बच्चों को भी इजीली दे सकते हैं। अच्छा, तो ये मैंने इसको अच्छे से वॉश भी कर लिया था और कट करके रख दिया था छन्नी के अंदर। तो ये जो मैंने मसाले लेते हैं ये सारे मैं इसमें एक साथ ऐड कर दूंगी। फूड कलर से एक अच्छा सा टिक्का वाला कलर आ जाएगा इसके अंदर। और ये हमें सॉसेस डालनी है इसमें तकरीबन, ये 1 चम्मच हम तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच हम ये डालेंगे इसमें, बस इतना बहुत है। और इतने ही हमें सोया सॉस लेना है, सोया सॉस मैं 2 चम्मच ले रही हूँ इसके अंदर, और सिरका भी हम इसमें 2 चम्मच लेंगे, सिरका भी मैंने इसमें 2 चम्मच लिया है। ये हमारे मसाले हो गए, और 2 चम्मच में इसमें केचप डालूंगी तकरीबन, और एंड में भी पकाने के टाइम एंड बिल्कुल आखिर में जब हमारी गर्दनें तैयार हो जाएंगी तब भी हम इसमें केचप ऐड करेंगे, चाहे आप गार्लिक वाला डालें या प्लेन वाला। अभी मैंने प्लेन वाला यूज किया, तो एंड में भी आप प्लेन वाला डालें या गार्लिक वाला, जो दोनों आपको जो सही लगते हैं वो आप कर सकते हैं। तो इसमें 1 चम्मच में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया हमने, और अब मैं इसको बस अच्छी तरीके से मिक्स करके इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी तकरीबन 1 से 2 घंटे, जितना मतलब आप करना चाहें। अगर जल्दी करना है जैसे फौरी तौर बनाना, तो आप फौरी तौर भी बना सकते हो, तो ऐसा मसला नहीं है, लेकिन अगर हम रखेंगे तो इसमें बहुत अच्छा सा तो मसाला हमारा इसमें रस बस जाएगा, मतलब बहुत अच्छा जब्स कर लेगी चिकन अपने आप में। और ये मसाला जो है ना बहुत ही इसके अंदर अच्छा फ्लेवर देता है हमें, और हम इसमें केचप ऐड करेंगे रेडी होने के बाद ऑयल वगैरह डाल के, तो बहुत अच्छा खट्टा मीठा सा एक फ्लेवर आएगा। तो ये मैंने इसको अच्छे से सारा मसाला ऐसे मैंने मैरिनेट कर दिया, अब इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ कवर अप करके, फिर जब मैं रेडी करूंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। 1 hour later ये हमारी मैरिनेट हो गई है गर्दने। चले अब हमें इसको कुक करना है बस, अब जल्दी से फटाफट। तो मैंने ऑयल ले लिया थोड़ा सा, और ये फ्राई पैन में हम ऑयल डालेंगे, सारी गर्दने जैसे हमारा ऑयल गर्म होगा, सारी गर्दने से डाल के तो बस हमें मंदी आग पे अच्छे से भून के मंदी आग पे छोड़ना है। ये सारी में मिर्चा डाल दी, सारे मसाले भी इसके अंदर आप ऐड कर दें, इसको हम जम के रखेंगे, ये जम के पकेगी, और हल्का सा अच्छा पानी डाल के हमें जम के रख दूंगी। अच्छी तरह हमें इसे कुक करना है ताकि हमें गर्दन अच्छे से जल जाए, इसमें सारा मसाला अच्छे से गर्म हो जाए, तो ये बहुत ही झटपट की यमी की हमारी गर्दन रेडी रहेंगी किसी गर्म में। तो तकरीबन हमें इसमें 10 से 15 मिनट के लिए रखना है इसको, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ 15 मिनट के बाद हमारी गर्दन कैसी है। हमें इसको पकाना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको कि हमारी गर्दनें किस तरह की रेडी हुई हैं। मीडियम फ्लेम पर बिल्कुल इसको बनाना है हमें, बिल्कुल मंदी आज पे, ताकि अच्छे से गल जाए। One eternity later. तो हम चेक करते हैं हमारी गर्दनें, तो
तकरीबन अच्छे से गल गई है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। वैसे हमने डालकर इसको पकाया है अच्छे से। अब सिर्फ इसके अंदर हमें एक खाने का चम्मच या दो खाने का चम्मच तकरीबन ऐसे केचप डालती हूँ। केचप हमने तब भी डाला था तो थोड़ा सा केचप मैं और डालती हूँ इसमें। तो मैंने तेल लिए थे और स्प्रिंग अनियन के जो ग्रीन पार्ट लिया था मैंने ये थोड़ा सा डालती हूँ, बाकी सब गार्निश में डालेंगे और हल्के से तेल में अभी इसमें स्टफ कर देती हूँ। अब इसको अच्छे से हमें केचप बस मिक्स करना है और अपनी डिश के अंदर डिश आउट करना है जल्दी से। तो हमारी झटपट सी ये गर्दनें रेडी हो गई हैं। आप यकीन करें अपने बच्चों को खिलाइएगा, बार बार मांगेंगे एक बार खाने के बाद, बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों को, बड़ों को, या कोई मेहमान आ जाए या कोई पार्टी वगैरह में, हाई टी के अंदर भी बहुत अच्छी लगती हैं, आप शाम में भी सर्व कर सकते हैं। तो हमारी मजेदार सी चिकन की गर्दनें रेडी हो गई हैं। तो मैं ये अपनी प्लेट में डिश आउट करती हूँ सारी एक साथ। बहुत ही मजे की यमी सी तेल है हमारे, ये हम इसके ऊपर सबके ऊपर डाल देते हैं। और ये हमारी मजेदार सी यमी स्प्रिंग अनियन, देखें कितनी हमारी खूबसूरत डिश लग रही है। आप ये जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा हमारी डिश के बारे में और मुझे कमेंट्स करते रहा करें। हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मजेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज। Thanks for watching.